मंडी जिला के अंतर्गत आने वाली बल तहसील के गांव सियांजी का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त मंडी दिवेश कुमार से मिला और गांव में हुई एक चोरी की वारदात के मामले में ज्ञापन सौंपा। सियांजी निवासी इंद्र सिंह के मुताबिक 5 मार्च की सुबह लगभग 4 बजे चोर गिरोह ने उनके घर में रखे हुए लाखों रुपए के गहने, जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था, जिस पर उन्होंने प्रशासन से उचित कार्रवाई करने की मांग भी की है। 4 मार्च की रात थी और 5 की सुबह थी, 4 बजे के करीब हुई। अलमारी का लॉकर भी तोड़ा गया था और उसमें से पूरे जेवरात जो थे हमारे चोरी हो गए थे और कुछ पैसे थे, और ये चोरी जो है वो 25-30 लाख के करीब है। इसमें हमारे पूरी फैमिली के पूरे गहने थे। तो अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस साथी तो इस पर कुछ भी कार्रवाई होती थी, हो सकती थी, जैसे मेटल में वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह, घर पे भी जो तिजोरी पे जहाँ तोड़ी हुई है उन्होंने, तो वहाँ भी शीशा था, हो सकता था वहाँ, उसमें भी पुलिस ने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया हुआ है और ना चोरी ट्रेस हुई है। अगर डॉग स्क्वाड होता तब भी वो चोरी ट्रेस हो जाता। इस तरह की चोरी की वारदात पहले भी कभी गाँव में हुई है आपके? हमारे गाँव में ऐसी चोरी कभी नहीं हुई है। मैं 30 साल का हो चुका हूँ, अभी तक ऐसे मतलब छोटी सी चीज़ भी कोई गांव में से चोरी नहीं हुई है। प्रशासन से यही चाहेंगे कि इस पर जल्दी कार्रवाई हो, और जगह भी चोरियाँ होती है, ट्रेस होती है, इतने सारे सबूत मिलने के बाद भी चोरी ट्रेस नहीं हुई है।